ऑलराइट गाइस, तो यार पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो कार है कितनी पावरफुल है, कितनी मजबूत है, क्योंकि यार इस कार को आप जैसे मन चाहे वैसे चलाएं, इस कार का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। साथ साथ आपने भी देखा कि हमने इस गाड़ी के साथ में कितने अत्याचार किए हैं, कितनी सारी भयंकर भयंकर वीडियोस हमने इस कार के साथ में बनाई है, लेकिन उसके बाद भी ये जो कार है काफ़ी अच्छे से चलती है। लेकिन गाइज यार, मेरा ऐसा बताना ही मेरी गलती थी, क्योंकि जिस वीडियो के अंदर मैंने ऐसा कहा था, उस वीडियो के अंदर आप में से काफ़ी लोगों ने भर भर के ये कमेंट किए कि अगर भाई ये इतनी मजबूत है तो इसके अंदर ये जो बड़ा वाला VIP है ये लगाओ और फिर देखो कि तब भी ये जो गाड़ी है सुरक्षित बसती है या फिर नहीं। हाँ हाँ, सही में आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे ये कमेंट किए थे। लेकिन गाइज यार, एक पल के लिए सोचो, ये कोई बाल्टी, ये कोई गिलास या फिर ये कोई गोबर नहीं है जिसके अंदर अपन पटाखा लगाए और उड़ा दे। भाई यार, कार है यार, कभी कभी हमारे बारे में भी सोच लिया करो यार, काफ़ी खर्चा हो जाता है। लेकिन गाइज, इन सब के बावजूद भी आप लोग हमसे कुछ कहें और वैसा हम ना करें, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। जी हाँ, तो गाइज यार, ये रही हमारी कार और ये रहा हमारा सुपर VIP। तो चलो लगाते हैं इस सुपर VIP को इस कार के अंदर और फिर देखते हैं कि उसके बाद भी ये जो गाड़ी है सुरक्षित बच पाती है या फिर नहीं। अक्सर ऐसा फिल्मों में देखा करते थे, आज रियलिटी के अंदर देखते हैं। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। राइट गाइस, तो यार अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस VIP को किस जगह पर सेट करें, पीछे की तरफ, यहाँ पर, या फिर यहाँ पर बीच में। ओए तुम बताओ कहाँ सेट करें, यहाँ बीच में कर दो। राइट गाइस, तो चलो इस VIP को इस कार के बिल्कुल बीचों बीच में सेट कर देते हैं। ऑलराइट गाइस, आई थिंक यहाँ पर ये बिल्कुल सही रहेगा। ऑलराइट गाइस, तो यार ये तैयार हो चुका है हमारा VIP। अब अबे निकलो यहाँ से, भागो। कोई सब आ गए। ऑलराइट गाइस, बड़ा VIP वर्सेस कार इन 3, 2, 1 उड़ा दे। तो यार हमारी कार की बैंड बज चुकी है। इस वाले दरवाजे को देखो, यहाँ से पूरी हालत खराब हो गई, अब तो ये खुल भी नहीं रहा है। गाइस आप देखो, यहाँ से देखो जो विंडो थी ना, विंडो पूरी ही अंदर से उखड़ के ही अलग हुई देखो, और ये चादर तक बाकी हो गई। इस वाले कांच को देखो, ये वाला कांच सेफ बच गया, और पूरा गेट देखो, गेट कैसे हो गया देखो। यार यकीन नहीं हो रहा कि मतलब इतनी तबाही मचा दी उस बड़े वाली VIP। देखो ये वाला कांच देखो पूरा कैसे हो गया यार, पूरा पीछे से उखड़ गया, और ये देखो फ्रंट वाला कांच। ऐसा लग रहा है जैसे कि गाड़ी जो है 4-5 पलटे खा गई हो, उसके बाद में ऐसी हालत होती है। जैसे मन चलाए वैसे चलाओ, लेकिन गाड़ी का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। आप देख सकते हैं ये गाड़ी अभी भी रफ एंड टफ चल रही है, देखो
अबे रोक ले, रोक ले। भाई गाइस आप देख सकते हैं यार कि एक वीआईपी ने कितनी तबाही मचा दी है। गेट वेट सब बाहर आ गए, छत का हाल देखो, कांच वाच पता नहीं किधर गए। तो गाइस यार आई होप ये वीडियो आपको अच्छी जरूर लगी होगी। ये रहा इसका पेट्रोल टैंक, देखो अच्छा पेट्रोल में आग नहीं लगी। तो गाइस यार आई होप ये वीडियो आपको अच्छी जरूर लगी होगी। हमारी इस प्यारी गाड़ी के लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 4 लाख लाइक्स और मुझे पता है कि आप कर दोगे। जी हाँ कर दोगे। और अब अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को भी दबा देना। और अगर आपके दिमाग में कोई खुराफाती आइडियाज है, कोई कीड़े हैं, तो उन्हें नीचे कमेंट्स में निकालना। हमसे होगा तो हम उन्हें ज़रूर पूरा करेंगे। टाइटेनियम आर्मी जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत।